नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में हैट्रिक 3 सिरप के बारे में। जानेंगे क्या है, कहां चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, डोज क्या होती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हैट्रिक सिरप यानी 3 सिरप एक ब्रांड है एरिस्टो कंपनी का। इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब करती है। सेल्फ यूज करने की नहीं आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर केमिस्ट स्टोर पर, हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है। जानते हैं इसके यूज के बारे में, भाई इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों छोटे बच्चों में यानी अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 4 से 5 साल तक का है तो वहां इसका यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं। कौन सी प्रॉब्लम देते हैं? तो पहली प्रॉब्लम आती है खांसी की प्रॉब्लम। अगर बच्चे को खांसी आ रही है, एलर्जी वाली खांसी है, छाती में तेंते की आवाज आती है, सांस लेने बच्चे की दिक्कत होती है, ठीक है, श्वास नली में कफ जम गया है, तो वहां देते हैं खांसी प्रॉब्लम, देते हैं सूखी खांसी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसका यूज करता है कोल्ड की प्रॉब्लम। बच्चे के अगर कोल्ड है, नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, तो वहां देते हैं। तीसरा ऐसे यूज करने के डॉक्टर दे सकते हैं सोर थ्रोट में, गले में सूजन है, टोन्स प्रॉब्लम है, दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आंखों से पानी आना, सीजनल एलर्जी होना या कोई भी छींक आना, इन सभी प्रॉब्लम में काम आती है, ठीक है। एंटी कोल्ड है, एंटी एलर्जी का। बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या सोल्ट आते हैं, काम किस तरह से करती है। तो इसके अंदर दोस्तों 3 सोल्ट आते हैं। पहला है पैरासिटामोल, दूसरा है सुडोफेड्रिन और तीसरा है क्लोराफेनिरामिन। दोस्तों पैरासिटामोल एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एक पेन किलर है, बुखार को कम करता है, दर्द को कम करता है। सुडोफेड्रिन डीकंजेस्टेंट है, जकड़न में काम करता है, नाक बंद है, नाक को खोलता है, नाक से पानी को रोकता है। क्लोराफेनिरामिन एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बंद करता है। कई बार इसी रसायन के कारण इन प्रॉब्लम का कारण बनता है, ये रसायन इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, कब बदना खांसी आना, तो वहां पर काम करता है। डोज की बात करें, कोई बच्चा 1 साल से 2 साल तक का है, 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। 2 साल से बड़ा बच्चा है, 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है, मैक्सिमम दिन में 3 बार ले सकता है। वैसे 2 बार देने से भी आराम मिल जाता है बच्चे को, लगातार ये 3 से 5 दिन चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, आदत नहीं पड़ती। जाने साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों वैसे तो नहीं होते, लेकिन कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, नींद आना दिक्कत हो सकती है, कब जो बन सकता है वो मिट्टी मजा हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम जांच में होती है। सावधानी यही है, डॉक्टर साथ से दे रहा है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना है और यूज करना बंद कर देना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।